सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल MS Oda को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MS Oda में आप सभी का वेलकम और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज हाइट, हाइट को किस तरीके से आप जो है बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजें बताने वाला हूँ जिनको आप करके अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टॉप 10 ऐसी एक्सरसाइजें आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ जिनको करके आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर लूँ, बता दूँ कि हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है या मदर फादर है, उनके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका अनुवांशिक, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स, कैसा है। उन पर पहली चीज़ के डिपेंड करती है आपकी हाइट। उसके बाद में होता है ये एक्सरसाइजें आपके ऊपर जो है अच्छे तरीके से वर्क करेंगी, और अगर आप इन्हें सही ढंग से करोगे इससे क्या होता है आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और एक नेक्स्ट वीडियो में अपना और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे टॉप फूड्स बताऊँगा आपको, कुछ ऐसे आहार बताऊँगा जिनको लेकर भी आप जो है आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स काफ़ी सारे लोगों के जो होते हैं कम होते हैं, उसके कारण भी हाइट उन लोगों की नहीं बढ़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर कोशिश करें इन एक्सरसाइजों को, अगर आप जो है अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और हाइट बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। और सबसे पहली चीज़ डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर, आपके मदर फादर की हाइट अगर कम है तो आपकी भी हाइट पहली चीज़ है कि कम ही होनी जो है होती है। काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे लड़के आते हैं जो पूछते हैं कि सर हमारी 18 से 20 साल के लड़के होते हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है, 5 फीट 2 इंच, 5 फुट 1 इंच, इस टाइप की जो उनकी हाइट होती है। फिर मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, आपके मदर फादर की कितनी हाइट है? वो कहते हैं सर हमारे मदर फादर की भी जी हाइट जो है हमारे जितनी ही है, मीन्स कम ही हाइट है। तो आपकी हाइट भी उस हिसाब से, जेनेटिक्स के हिसाब से उतनी ही होती है। आप अगर कोशिश करोगे तो चांसेस रहते हैं आपकी हाइट के बढ़ने के। और चलिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज पूरे कम्प्लीटली टॉप 10 ऐसी एक्सरसाइजें बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी जो है हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल का आइकन है, उसे भी दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे आप उन सब वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ टॉप 10 एक्सरसाइज। नंबर फर्स्ट पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है, इसमें आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है जितना आप करें, कोशिश करें, और आपकी बॉडी को ये स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होगी। सीधा खड़ा रहना है आपको, इस तरीके से सीधे नीचे जाना है, और आपके हाथ जो है वो आपको अपने इस तरीके से, और आपकी नेक जो है गर्दन उसको नीचे रखें आप इस तरीके से, स्ट्रेच कीजिए अपनी पूरी बॉडी को। और हो सके तो अगर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिए ऐसे, इस तरीके से। इसके आप 3 सेट लगाएं, अपनी बॉडी को पूरी को नीचे आपको लेके जानी है और स्ट्रेच करनी है 15 से 20 सेकंड के लिए। आप अपनी बॉडी पूरी को वहीं होल्ड कीजिए, इसके 3 से 4 सेट लगाओगे तो आपके जो है अच्छे रिजल्ट मिले। नंबर सेकंड पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो हैंगिंग, और इसमें आपको इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी को हैंग करके रखना है स्ट्रेटली इस तरीके से, इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। और इसके आपको 3 सेट करने हैं, 15, 20, 30 सेकंड, जितने सेकंड आप होल्ड कर सके उतने सेकंड होल्ड करें। और इसके अलावा आप चिन अप भी लगा सकते हैं इस तरीके से, पूरा ऊपर जाना है आपको और नीचे आना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इसमें आप पूरी बॉडी को अगर होल्ड करके रखना चाहें वो भी कर सकते हैं, और पुलअप भी लगा सकते हैं, पुलअप भी इसी का वर्जन है।
इन्हीं में से इस तरीके से ये भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नंबर थर्ड पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है स्कीपिंग। अगर आप स्कीपिंग करें तो बेटर है, रस्सी कूद सकते हैं। इसके अलावा इसका अल्टरनेट एक आपको मैं बताता हूँ। काफ़ी लड़के ऐसे कहते हैं कि सर हम स्कीपिंग कर नहीं सकते, रस्सी नहीं कूद सकते, तो वो लोग जंप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप जंप कर सकते हो, जितना हो सके उतना जंप कीजिए। यह भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 50-100 के सेट लगाए, 2-3 आप। इस तरीके से इससे भी आपके हाइट के जो है इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और हाइट बढ़ने के लिए ये बहुत बेटर एक्सरसाइज है। नंबर 4 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच। से आपकी स्पाइन है वो स्ट्रेच होगी, हाथ इसे सीधे रखनी है और गर्दन को इस तरीके से करना है आपको, ऐसे करके रखना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, मोड़े बिल्कुल ना, इस तरीके से ना करें, स्ट्रेट रखें स्पाइन को और स्ट्रेच कीजिए। इसमें आपके लेग भी स्ट्रेच हो रहे होंगे, आप फील करेंगे अगर आप इस एक्सरसाइज को जब करेंगे तब। नंबर 5 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट लेग अप एक्सरसाइज। आपको लेग अपने स्ट्रेट रखने हैं, सीधे रखने हैं इस तरीके से। बीस से 25 सेकंड ऐसे रखें, 2-3 सेट लगाएं इसके आप। इन एक्सरसाइजों से आपकी कोर मसल्स भी मजबूत होगी। नंबर 6 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ड्राई लैंड स्विम। इसमें आपको लेफ्ट हैंड उठाना है और राइट जो है आपका पांव उठाना है। इस तरीके से आपको पूरी बॉडी को होल्ड करना है, स्ट्रेच होगी इससे आपकी बॉडी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये हाइट को इंक्रीज करने के लिए। बॉडी को होल्ड करके रखें, दोनों साइड से लगाएं इस तरीके से। नंबर 7 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पेल्विक शिफ्ट। इसमें आपको इस तरीके से रहना है और आपके हिप्स को आपको ऊपर उठाना है इस तरीके से, ऐसे और वापस स्लो लेके जाना है आपको नीचे इस तरीके से। अब चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं ऊपर ऐसे, से आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, ग्लूटस जो है आपकी मसल्स ग्लूट वो स्ट्रेच होगी, स्पाइन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी वो स्ट्रेच होगी इस तरीके से। नंबर 8 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है कोबरा पोज। इसमें आपको इस तरीके से रहना है लेट के और ऐसे, चाहे तो आप हाथ अपने पीछे भी ले सकते हैं इस तरीके से। इसके 3 सेट लगाए आप, 20 या 13 सेकेंड, या आप 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना बेटर है। रोक के रखनी है अपनी बॉडी को। नंबर 9 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है स्विमिंग। यहाँ पर तो वो मैं करके बता नहीं सकता, इसके लिए आपको स्विमिंग में जाना पड़ेगा। स्विमिंग करने से भी हाइट इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्विमिंग कीजिए आप, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा हाइट बढ़ाने के लिए। नंबर 10 पर जो हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, उससे आपको अपनी
जो है रैंक कोई हो या कोई ऐसी आपके घर में सीढ़ियाँ हो वहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं 15 टू 20 सेकेंड के लिए। आपको अपनी बॉडी को होल्ड करना है इस तरीके से, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा एडवांस है। दोनों साइड आपको लगाना है इस तरीके से, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की टॉप 10 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जिनको करके आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। हाइट जेनेटिकली होती है, इस चीज़ का आपको मैंने पहले ही बता दिया, और आप इन एक्सरसाइजों को ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा टॉप 10 या टॉप ऐसे फूड्स के बारे में बताऊँगा जिनको लेकर के आप हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन फूड से आपके ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज होंगे। और आप लोगों ने अगर मेरे YouTube चैनल MS Soda को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले।